भाजपा विकास के तमाम दावे करती है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें भी विकास को मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान फतह करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शुरू होने वाला विकास के दावों की नगर पालिका व पंचायत चुनावों में भाजपा कार्यकर्ता धूल पीटते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सिवनी मालवा विधानसभा में काबीना मंत्री लगातार रहने के बाद भी कुछ इलाके विकास से अभी तक अछूते ही रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिवनी मालवा विधानसभा की डोलरिया तहसील के ग्राम ढाबा के पास का है, जहां लोगों की सुविधा के लिए बनने वाला पुल सालों बीत जाने के बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। हालात इतने बदतर है कि लोगों के आवागमन के लिए पिछले साल बनाई गई वैकल्पिक पुलिया भी चंद दिनों बाद बह गई। साल बीत जाने के बाद भी ना तो पुल पूरा हो पाया ना ही वैकल्पिक रास्ता बन पाया। जनप्रतिनिधि भी शायद इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बारिश की मौसम की शुरुआत के पहले यह बदतर हालात लोगों के लिए परेशानी बन सकते हैं। इटारसी से सिवनी मालवा के इस अधूरे पुल ना तो सिवनी मालवा के भाजपा विधायक प्रेम शंकर वर्मा ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही भाजपा के सांसद राव उदय प्रताप सिंह। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जनता के बीच जाकर वादों के पिटारे खोलने वाले नेता अब लोगों की समस्या से अनचाही दूरी बनाए हुए हैं। ये यहाँ से पुल से उस पार जाने के लिए कैसे जाना पड़ता है? अरे बहुत दिक्कत पड़ती है भाई। तो क्या यहाँ का क्या रास्ता बह गया है? हाँ जी, पुल तो मतलब बह गया है। अब यदि बच्चों को या किसी को जाना हो तो कैसे जाते हैं? वो भी बड़ी दिक्कत से, मतलब गाड़ी धकाओ फिर धक्का लगाओ या फिर रिटर्न इधर से जाओ डोलरिया साइड से। ठीक है।